जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, रिश्ते वो हैं जिसमें तकरार कम हो, प्यार ज़्यादा हो, आस कम हो, विश्वास ज़्यादा हो। हम जानते तो हैं कि रिश्ते हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि उनके अंदर की मिठास भी हम ही उसमें भर सकते हैं। हम ये उम्मीदें तो हर वक्त करते रहते हैं कि सामने वाला बंदा बदल जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि हमें बदलना है तो सारी दुनिया बदलने लग जाएगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके मनोरमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो दीदी। दीदी, आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों में भी आजकल देख रहे हैं हम टकराव कितनी ज़्यादा होने लग गई है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने रिश्तों को कायम कैसे रखें? रिश्तों को कायम रखने के लिए परस्पर स्नेह, परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कुछ ऐसे मॉरल एथिक्स हैं जिन्हें जीवन में लेकर चलने से हम रिश्तों की बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। पहले के ज़माने में रिश्तों के अंदर अटूट विश्वास होता था। बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी होती थी, एक निस्वार्थ प्रेम होता था, और यही कारण है कि वो रिश्ते परवान चढ़ते थे। आज उनके अभाव में रिश्तों में दरारें आ गई। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। आज जो ये दरारें हैं, इन्हें भरना तो हम चाहते हैं, हम बहुत कोशिशें भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, और आज की हमारी जनता भी जानती है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं आज इस पूरे विश्व में, वो सभी अपने रिश्तों को मिठास भरने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कड़वाहट तो आ रही है। उस कड़वाहट के साथ झगड़े कैसे, लड़े कैसे, या उसे प्यार से अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्या करें? बजाय इसके कि हम उन रिश्तों को लेकर के टकराव या झगड़े मोल लें, बहुत बेहतर है कि टकराव हुआ क्यों, आइए जान लेते हैं। आजकल जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति थी जी, जहाँ पर संयुक्त परिवार रहा करते थे जी, एक ही दरवाजे से चार भाई निकलते थे, चार भाइयों की पत्नियां निकलती थीं, उनके बेटे निकलते थे, बेटियां निकलती थीं, बहुएं निकलती थीं, कोई तकरार नहीं थी। मगर आज हम आयातित संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ये संस्कृति हमारी नहीं है, हम दो हमारे दो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम शनह शनह पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते जा रहे हैं जी, और यही हमारे परिवार और रिश्तों के लिए बहुत घातक बिंदु है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्तों के अंदर एक और एक पहलू आता है, वो आता है विश्वास का। अब विश्वास की कमी के कारण आज सभी, आधे से ज़्यादा जो झगड़े हो रहे हैं, ये विश्वास की कमी हो गई है, अभी आपने कहा, तो उस विश्वास को भरे कैसे? देखिए, पहले जब हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी जी, मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। हाँ जी। कि बच्चे के अंदर विश्वास भरने की बात जी, माँ ने बच्चे को डांटा जी, आपका छोटा बच्चा है
आपको परेशान कर रहा है जी। और निस्संदेह कि आप उससे टेंस में आ गई और आपने उस बच्चे को हल्के से एक हाथ लगा दिया। ठीक है, बच्चा रोया? बिल्कुल। और रोने के बाद सीधा अपनी दादी या बाबा के पास गया और उसने जाके शिकायत की कि मामा ने मुझे मारा है। उसी समय घर के वयोवृद्ध होने के नाते बाबा जी ने जरा आवाज दी, बहू सुनना, तुमने मुन्ना को मारा है, बहुत गंदी बात है। एक बार उनका पुकार लेना, एक बार उनका रूप बना करके आपको कुछ कह देना, बच्चे के अंदर अटूट विश्वास भर देता है, मम्मा डांटेगी ना, मैं बाबा से शिकायत कर दूंगा। करेक्ट। उसके अंदर एक विश्वास भरता है। करेक्ट। कि मेरी मम्मा से भी ऊपर बाबा जी हैं जी, मेरे पापा से ऊपर दादी जी हैं, अगर ये कहेंगे ना तो मैं उनसे कह दूंगा जी। या कोई बात ऐसी हो जाती थी घर में, परस्पर समवयस्क लोगों में, मान लीजिए कि घर में देवरानी जेठानी दो आपस में किसी बात को लेकर टकरा गई, बच्चों की किसी फरमाइश को लेकर टकरा गई, अगर उनकी मदर इन लॉ तक कोई बात पहुंची, उन्होंने वही सुलहनामा करवा दिया, वही समझा दिया और ये भी समझा दिया कि इस बात को यही समाप्त कर दो, शाम तक जुबां पे आनी नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या होता था कि वो लोग आपस में समझौता कर लेते थे, पुनः वातावरण सहृदय हो जाता था और ये समझ के कि हाँ भाई ये बच्चों का झगड़ा है, इसमें हम लोगों ने क्या लेना देना। थोड़ा सा उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, थोड़ा उन्होंने अपने बच्चे को समझाया और सहृदयता का पुल बन गया, वहां संबंधों में दरार नहीं आई जी। आज क्या होता है घर में बड़े बूढ़े समझाने के लिए नहीं निकले उस पॉइंट में, हम दो और हमारे दो, मैं और मेरी पत्नी, हम दो ही हैं। तो जब हम दो ही हैं या हमारे मान लीजिए बच्चे दो हैं, कुछ होता है, कौन समझाएगा उन्हें? आप दोनों में तकरार अगर हो जाए, फैमिली में हम दो ही हैं उनमें तकरार हो जाए, कौन कहेगा यहाँ आओ ऐसा नहीं करते? तो जो हमारी पारिवारिक संयुक्त प्रणाली थी, उस संयुक्त प्रणाली में, इस सिस्टम में कि बड़े बैठे हैं वो समझा लिया करते हैं, वो स्नेह दे करके बात मनवा लिया करते हैं जी। और उन्हें आपसे लेना देना नहीं, एक बड़ा निस्वार्थ सा भाव है, उन्होंने बचपन से लेके आपको बड़ा किया है, उनकी हृदय से शुभ भावना है, ना आपका मूड ऑफ हो ना आपकी श्रीमती जी का मूड ऑफ हो, बिल्कुल दोनों को समझा करके परिवार में आने वाली दरार को फिर समाप्त कर देते हैं। लेकिन आज जब हम तन्हा रहने लग गए या जब हम दोनों ही जॉब करने लग गए तो परिणाम कुछ दूसरे तरीके के आते हैं। अगर किसी छोटी सी बात को लेकर भी आपस में संघर्ष हो गया तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह, और कोई समझाने वाला नहीं होता। बिल्कुल। जो हमारे 36 के आंकड़े को 63 का रूप दे दे, इसी के कारण से तनाव बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। चाहते हम भी नहीं है, चाहते वो भी नहीं है, लेकिन वो मध्यस्थ कहाँ से लाएं जो उग आए बीच में कांटों को चुन दे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अगर हमें अपने रिश्तों को बदलना है, उनके अंदर की टकराव को बदलना है, तो हमें ही अंदर से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और अपने अंदर थोड़ी थोड़ी मिठास भरनी पड़ेगी। निश्चित। दीदी, अब जब हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, रिश्तों के अंदर में अभी हमने ये जाना, एक गुण जाना कि हमें मिठास भरना है, और कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जिसे हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा जिससे हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत और बेपाक हो जाए? या अगर हम रिश्तों को जी बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं जी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जी, वो रिश्ते तो ब्लड रिलेशन के होते हैं जी, यहाँ कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। लेकिन उस जगत नियंता ने वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जिस परिवार की, जिसे हम ईश्वरीय परिवार कहते हैं, नींव डाली है, अलग अलग खानदानों से चुन के ये फूल आए हैं,
इनके संबंधों में कितनी मिठास है। तो उसके लिए उस जगत नियंता ने जिसे माध्यम बनाया, जिसे हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं जी, उन्होंने एक छोटा सा सूत्र दिया, हे आत्मन तुम गुणग्राही बन जाओ जी। गुणग्राही जिस दिन आप बन जाएंगे, उस दिन एक नई शुरुआत जिंदगी की कर लेंगे हम। उस आत्मा के सामने वाले के गुण देखें जी। परमात्मा ने हमें भेजा है, निसंदेह हम में अवगुण हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुण भी तो दिए हैं। बिल्कुल, उन गुणों की ओर हमारी नजरें नहीं जाती हैं। हम देखें कि इसमें क्या क्या गुण हैं, और जब हम गुणग्राही हो जाते हैं तो हमारे अंदर से कड़वाहट अपने आप निकल जाती है। सो लाइक दैट भगवान ने हमें चुना है। गीता में एक जगह आया है जी कि हे अर्जुन, कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे विरला ही पहचानता है जी। तो परमात्मा ने, परमात्मा को हमने पहचाना, परमात्मा ने हमें चुना, ये तो उसकी नजर इनायत है, लेकिन हमने भी उसको जानने की चेष्टा की। बिल्कुल, हमको मिला। सामने वाले को भी तो परमात्मा ने ही चुना, लाइक यू, आपको भी चुना। तो वो कौन सी विशेषता है जो भगवान ने तो देखी, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्या बात है। तो जब हम सामने वाले के गुण देखना चाहते हैं तो गुण भारी पड़ते हैं, प्लस पॉइंट भारी पड़ते हैं, और अवगुण माइनस पॉइंट में चले जाते हैं। किसी में 7 खूबियां हैं, अगर एक नहीं है तो क्या हर्जा है, क्या हम काम चला लेते। बहुत अच्छा। तो गुणग्राही बन जाए। लौकिक परिवारों में भी अगर हम देखते हैं कि हमारी बेटी है बहुत अच्छा बिहेव करती है, बिहेवियर साइंस में अगर हम देखेंगे तो उसको हम 100 में 100 नंबर देंगे। मान लीजिए कुकिंग में थोड़ा कमजोर है, अब हम उसकी कमजोरी को ही उजागर करते रहें, निरंतर उलाहने देते रहें, अरे तुम क्या करोगी जिंदगी में, तुमसे तो खाना भी नहीं बनता है। हाँ, ये अभी ये हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में जो बहुएं होती हैं उनके अंदर में ज़रूरी नहीं है कि खाना बनाने का गुण बहुत ज़्यादा अच्छा हो। शायद वो भी वर्किंग वुमेन है तो घर में वो लोग कुक को रख देते हैं, लेकिन जब सास आती है अगर रहने के लिए महीने के लिए, महीने भर, तो शायद महीने भर उसको ताने मिलते रहते हैं, खाना बनाना नहीं आता, घर संभालना नहीं आता, बाहर काम करना है जाकर के, लेकिन घर को संभालना नहीं है। ये चीज आपने एकदम सही कही। तो अगर हमने उसको देखा जी तो हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए, जिस दिन हम ये रिश्ता तय करने गए थे उस दिन हमने क्या देखा था कि बहुत सर्विस करने वाली जी और 50,000 हर महीने लाने वाली है। तो हमने उसको, बुरा मत मानिए, माना मैं पूरे दर्शकों से कहना चाहूँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि सोने की चिड़िया समझ करके, सोने की मुर्गी समझ के हम उसको अपने यहाँ ले आए पुत्रवध बना के। आज उस सोने की मुर्गी से आप कुछ और उम्मीद क्यों करते हैं? सोना तो अभी भी दे रही है ना। सही बात है, सोना अभी भी दे रही है, वो 50,000 ला के आपको दे रही है, लेकिन आप चाहते नहीं उसके साथ वो ऑलराउंडर हो। ये बात आपने पहले दिन तो नहीं पूछी थी ना। बिल्कुल, जब आप उसे देखने गए थे तो आपने उससे नहीं पूछा था कि बेटे और क्या क्या आता है। अगर आप उसे इस नजर से भी देखें कि वो आपकी अपनी बेटी है, अच्छा समय नहीं मिलता है, चलो थोड़ा सा हम भी हाथ बटा देते हैं, वो अगर यहाँ छोड़ गई है डाइनिंग पे ये कप, हम ही रख देते हैं किचन में, नहीं बेचारे को समय मिला, हमारी बेटी होती तो हम क्या करते। तो अगर हम उसको अपना बना लें, अपने के नज़रिए से देखने लगे, तो इससे सुंदर कोई बात नहीं होगी, रिश्तों में कभी खटास नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा इस नज़रिए से देखें, माँ जानकी की चर्चा होती है 14 वर्ष वनवास में पीछे पीछे रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के,
ठीक जी। लोग बड़ी महिमा करते हैं, 14 साल वनवास में साथ रही जी। लेकिन आगे उनके पति परमेश्वर थे, पीछे उनके देवर थे, लक्ष्मण थे, सुरक्षित प्रकोष्ठ में थी। 14 वर्ष भी माना वनवास में जो काटा गया समय है, कोई असुरक्षा की भाव नहीं थे, कुछ और ऐसा नहीं था। आज की नारी को लीजिए, न जाने कितने वर्षों का वनवास झेल जाती है। वनवास से भी कठिन त्रासदा, जॉब में जाना है, वहां से कमा के लाना है, पे उनको थमा देनी है, घर में आकर के कोई मेहमान बैठे हैं तो अतिथि भी पूरा करना है, उन्हें सुबह भी नाश्ता और खाना देके जाना है। सही बात है। और आप जब लौट के आती है तो कमेंट करने से भी बाज नहीं आते, आ गई मैम साहब। हाँ, विचार कीजिए। और कई बार तो वो घर में आकर के भी खाना बनाती है। तो वो नारी कितना झेलती है। सीता का वनवास तो 14 साल का था राम के साथ, लेकिन इसको आप कितना बड़ा वनवास देते हैं। वो अपनी मन की व्यथा कथा किसी से कह भी नहीं पाती जी, किससे कहेगी। और ऊपर से बहुत बार ऐसा होता है कि संदिग्ध निगाहें उसका पीछा करती हैं। 8 घंटे कहाँ किसके साथ बात करके आ रही हूँ। हो सकता है कि उसे जाते ही कुछ सुनने को मिला हो, फाइलों के बोझ से सर उठाने को न मिला हो, पूरा करने के बाद घर आई हो, वो भी उम्मीद रखती है एक कप चाय मिल जाए, किंतु बोले बना लो पी लो और हमें भी बना के ले आओ। हाँ, वो भी है, वो भी उम्मीद है। तो जब कोऑपरेशन नहीं, सही बात है, तो मन बहुत बार दुखी हो जाता है। कब तक निभाया जाएगा, रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, दिल खुला हो, मोहब्बत का जज्बा हो। जैसे हम काम करके आए, हम थक गए हैं, तो हमें सामने वाले के प्रति भी वही भाव हो, वो भी तो थक गया होगा जी, वो भी तो थक गई होंगी, चलो आज हम चाय बना लेते हैं, मिलके बैठ के पीते हैं, क्या हर्ज है। तो न केवल इस भाव से सहयोग बढ़ेगा, न केवल इस भाव से प्रेम बढ़ेगा, न केवल परस्पर एक दो के बीच मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। अगर एक पक्ष ही उम्मीद करता रहेगा, मैं ऑफिस से आया हूँ, मुझे चाय मिलनी चाहिए, मेहमान बैठे हैं, तुम इतना भी नहीं कर सकती, तो वो भी तो ऑफिस से ही आई। करेक्ट। उसकी जगह रह करके हम सोचें, आज रिश्तों में हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं बना पाते। करेक्ट। इसलिए तकलीफें बढ़ती जा रही हैं जी। आज हमारा नजरिया संकुचित हो गया, हम अपने लिए तो सोचते हैं लेकिन सामने वाले के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नहीं सोचते। बस 2 मिनट जरा उसके प्लेटफॉर्म पर चाहिए, या अपने किसी को भेज दीजिए जी, फिर महसूस कीजिए 8 घंटे की थकान, और उसके बाद घर पे उससे ये उम्मीद रखना कि पूरी मेहमान नवाजी करेगी आने वाली पुत्रवधु। मुस्कुराते हुए, कैसे संभव है। हाँ, अगर सहयोग के हम 2 हाथ बढ़ाते तो निस्संदेह मुस्कुराते हुए मेहमान नवाजी करेगी। अगर रिश्तों में मिठास चाहिए जी, तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा जी। और नजरिया बदलने के साथ साथ केवल उसे पुत्रवधु मत समझिए, उसे बेटी मान के रखिए जी। वो भी किसी के घर की बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा। परिश्रम करके आई है, वो भी प्यार चाहती है, माँ जैसा दुलार चाहती। आप केवल माँ बन के रहें, केवल सास बन के न रहें। कमियाँ हो सकती हैं, हम ये नहीं कहते कि कमियाँ नहीं हैं। हर वजूद को उस जगत नियंता ने अलग अलग ढंग से सजाया है, अलग अलग गुणों की खुशबू दी है, अलग अलग उसको विशेषताएं दी हैं। तो जो उसमें विशेषताएं हैं, हम उनसे कार्य ले लें। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमें गुण ग्राही बनना है जी। बिल्कुल दीदी। अभी मैं अगर बात करूं एक भाई की और एक दूसरे भाई की, आज अगर देखें तो इनमें मन मुटाव इतना बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना पसंद करते।
ऐसे सिचुएशन में अगर एक भाई पहल कर रहा है और वो चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन सामने से उसे वही सेम बिहेवियर मिल रहा है, तो वो क्या ऐसा करे जिससे उनमें परिवर्तन आने लगे? ऐसी कौन सी चीज़ वो करे जिससे रिश्ते बेहतर हो जाए? देखिए, अगर हम बिना कुछ किए रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, बिना रिस्पॉन्ड दिए करना चाहते हैं, बिना टकराव लिए करना चाहते हैं, तो एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं साइलेंस पावर। ओके, साइलेंस पावर की थ्योरी। जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के अंदर हम शुभ भावना और शुभकामना रख सकते हैं। हमें मालूम कि जिसने हमको गढ़ा है उसने ही उसको भी गढ़ा है। अगर वो मुझसे टकरा रहा है तो जरूर उसके मन में या तो अति तृष्णा है, या तो अति लोभ है, या तो अति कामना है, और या कोई विद्वेष की भावना है, या कहीं कोई शंका और शुभा है। जब मानव के अंदर शंका की दीवारें खड़ी होती हैं, तो विद्वेष उत्पन्न होता है। जी, जब विद्वेष उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे घृणा का रूप ले लेता है। जब घृणा का रूप लेता है तो टकराव, झगड़े, एक दूसरे का चेहरा न देखना, एक दूसरे के लिए निगेटिव थिंकिंग रखना, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सोच जाता है व्यक्ति, भले ही वो सगे भाई क्यों ना हो। अगर हम उस दीवार को मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको तृष्णा की दीवार को मिटाना होगा। आज संसार का मानव जो पीड़ित है, महज अपनी अति तृष्णा से पीड़ित है। एक बार ये चर्चा हुई कि इंसान को सब कुछ तो दिया है, संसार का सबसे सुंदरतम प्राणी है जी, इसको दो हाथ दिए, इसको दो पैर दिए, इसको हमने इतना अच्छी आँखें दी हैं, इसको इतने अच्छे कान दिए, इसको बोलने की क्षमता दी है, इसको इतना अच्छा विवेक दिया है, फिर ये क्यों परेशान रहता है? मतलब अति तृष्णा से। ये अति तृष्णा क्या है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये चर्चा मैं देवलोक की बता रही हूँ जी, कि विष्णु ने कहा ये मानव जो परेशान है ये केवल तृष्णा से परेशान है। बोला वो कैसे? लक्ष्मी जी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। तो एक छोटा सा चमकता हुआ धातु का टुकड़ा नीचे डाल दिया उस मानव के सामने। बड़ा खुश हुआ, देखा उसने, उसको उठाया। उसके मन में आया कि इसको अगर मैं जाके बाजार में भेज दूँ, कई दिन के खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। और उसने उसे जाकर के एक दुकान पे दिया। खुदा न खास्ता उसको 200 रुपए मिल गए। वो वहाँ से सामान लेकर के अच्छे से आया, खाने पीने का, 7 दिन का 8 दिन का, बहुत खुश होकर चला आ रहा था। पड़ोसी भी इस घटना को देख रहा था, उससे उसका सुख नहीं देखा गया कि इतना खुश हो गया ये तो कैसे दुखी किया जाए। उसके पास गया, बोला सुनो, वो जो चमकीला सा पत्थर था क्या उसे तुम बेच आए हो? बोला हाँ, बेच दिया। बोला कितना दिया अगले ने? बोला 200 रुपये। बोला बस, अरे मैं तो तुमको 400 देता। हो गया, अब उसका मन खराब हो गया। वो लौट के आया, इतना सारा भोजन पानी की सामग्री लाया था, सारा उसने एक कोने में फेंक दिया और आके लेट गया। पत्नी ने पूछा क्या होगा, आज तो आप बहुत सारा सामान लाए हैं, तो भी दुखी है, इस तरह उदास क्यों है, दुखी क्यों है? सही बात है। तो वो कहने लगा 200 का नुकसान हो गया, बोलो मत। बोला क्या मतलब? तो उसने सारी कहानी सुनाई कि 200 का नुकसान हो गया, तो जो 200 मिले उस उपलब्धि से संतुष्टता नहीं, लेकिन 200 चले गए उस पे ज्यादा ध्यान है। उस पे ज्यादा ध्यान है। अति तृष्णा, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये जो डायलॉग है,
जो एडवर्टाइजमेंट की निशानी है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है हमारे घर में, लेकिन हम भागे चले जा रहे हैं, थोड़े की जरूरत है। और ये थोड़े की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, और यही अनेकों बार द्वेष का कारण बनती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। दीदी कई बार ऐसा होता है कि अभी हम बात कर रहे हैं अगर रिश्तों की, रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता भी होता है, वो होता है माता का और एक बच्चे का। आजकल तो उसमें भी टकराव आने लग गई है। आज अगर देखें एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मम्मी को अगर ज़्यादा उसको डांट दिया जाए तो वो ऐसा हो जाता है कि अरे मुझे इतना डांटते क्यों है। उनको भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत हो गई है, और आजकल बड़ों को प्यार की और बच्चों को रिस्पेक्ट की ज़रूरत हो गई है। ये उल्टा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बड़े थे उन्हें रिस्पेक्ट की ज़रूरत थी और बच्चों को प्यार की ज़रूरत थी, आज ये उल्टा हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? पहले मैंने जो आपको बताया था जी कि ये लिखा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है जी, और माँ के प्रति रिस्पेक्ट सिखाने का काम जी घर में दादियाँ, घर में बुआ, घर में और संबंधी जो भी मामा वगैरह होते थे जी, बच्चे को सिखाते थे कि बेटे माँ है तुम्हारी, बेटे माँ है तुम्हारी। और माँ भी बड़े निस्वार्थ भाव से रातों रात जगती थी, बच्चे की सेवा करती थी, उसका हर पल बच्चे के हित में जागा हुआ होता था जी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं रह गई। आज हम बच्चे के लिए कुछ करते हैं उसके पहले ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो हमारे लिए क्या करेगा। बिल्कुल, आज हमारा टारगेट पहले कि बच्चा बड़ा होके क्या करेगा। इसलिए बच्चे के मन में भी कुछ उल्टे भाव पैदा होने लग गए। चिड़िया का एक बच्चा और चिड़िया, माँ बाप हमें खिलाते हैं तो हाथ से ग्रास तोड़ के खिलाते हैं, माँ बाप ने मुंह से मुंह में नहीं खिलाया, लेकिन चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से खिलाती है, इतने प्यार से खिलाती है। फिर भी वो चिड़िया का बच्चा दो दिन, चार दिन, सात दिन, दस दिन साथ रहता है, धीरे धीरे उड़ता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, और एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत दूर उड़ के चला जाता है। माँ बाप क्या करते हैं, खिलाते तो हाथ से हैं लेकिन बच्चे को साथ साथ ये भी समझाते जाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, डॉक्टर बनेगा तो ये हो जाएगा हो जाएगा, हाँ फिर ऐसा करेगा फिर वैसा करेगा, बेटा बड़ा हो जाएगा तो हम सबका सहारा बनेगा जी, बेटा ऐसा करेगा। तो बेटे पर जो हम अपनी ख्वाहिशों का बोझ लादने लगते हैं, इससे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जिसको देखो वो मुझसे ही आशाएं रखता चला आ रहा है। मित्र सोचते हैं पढ़ने में मेरा ये फ्रेंड बहुत तेज है, जरूर ये टॉप करेगा। कॉलेज जाता है, टीचर सोचता है हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करेगा। बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि मुझे बनना क्या है। कोई उसको आईएएस के रूप में गढ़ना चाहता है, कोई उसको डॉक्टर के रूप में गढ़ना चाहता है, कोई उसको अच्छे मित्र के रूप में गढ़ना चाहता है, कोई उसको किसी रूप में। बच्चे की अपनी ख्वाहिश किसी ने पूछी, कोई नहीं पूछता। तो उन हालातों में बच्चे के मन में भी टेंस पैदा होता है। बिल्कुल, अभिरुचि आर्टिस्टिक है, पढ़ा बायोलॉजी रहे, कैसे होगा। बिल्कुल, तो इन सब वजहों से बच्चे के मन में भी बहुत बार खिजलाहट हमने देखा है। 80% नंबर आए हैं बच्चे के, फिर भी माँ बाप को तसल्ली नहीं है। पड़ोसी के बच्चे के 90% आए, वाई फॉर कंपैरिजन। हर एक का मेंटल आईक्यू अलग अलग है और उसे आप सेम कभी भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। जितनी बौद्धिक क्षमता है उसने हमको रिजल्ट दिया है जी। हमें चाहिए हम उसको और प्यार से और उसको शाबाशी देके उसकी पीठ ठोके कि बेटे खूब मेहनत की, हाँ बहुत अच्छे नंबर आए, अगली बार और अच्छे आए। वो कोशिश करेगा, खुद ही करेगा कि मैं 90% लूँ जी। तो हमें उसको कहना कि अरे तुम किस तरह के हो, हाँ 90% में नहीं लाए, कम से कम तुमको 92 तो लाना था। वर्मा जी का बच्चा 92 लाया। बिल्कुल, तो कंपैरिजन नहीं,
कंप्लेंट नहीं, उसने बहुत कुछ किया है, हम उसको सराहें। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, रिश्तों को सराहना सीखें। जी बिल्कुल, उनको सहेजना सीखें। जिसने भी हमारे लिए जो कुछ कहा, हम उसके लिए थैंक्सफुल हैं। बिल्कुल, लेकिन हम आज थैंक्स की भाषा भूल गए। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। अगर हमें अपने रिश्तों के अंदर बदलाव लाना है, उनके अंदर के मन मुटाव को निकालना है, तो मिठास ये धीरे धीरे हमें उसे परोसना होगा अपने रिश्तों के अंदर में। तब हम देखेंगे कि उसके अंदर की मिठास पूरी के पूरे विश्व में फैल रही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं हमारे रिश्तों की, रिश्तों के अंदर मिठास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिस प्रकार आप जो भी देते हैं किसी रिश्ते में, वही आपको वापस मिलता है। उसी प्रकार अगर आप मिठास देंगे, तो आप देखेंगे कि सामने से भी आपको मिठास ही मिलेगा। तो देते चलिए और बांटते चलिए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। Thank you.